सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डीजे गोलूराज और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल गोल सपोर्ट पे स्वागत है। चलिए मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं इस सॉन्ग का। तो चलिए यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स लगेगा जो लगा देता हूँ और सुर में देखिए सॉन्ग को पहले सुना देता हूँ थोड़ा सा। चलिए कुछ इस टाइप से सॉन्ग है तो आगे बढ़ते हैं, मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप का इफेक्ट्स लगाएंगे, ये वाला इफेक्ट। तो इस इफेक्ट्स को लगा लेते हैं हम फर्स्ट में इंट्रो के लिए। तो इंट्रो के लिए हम लगा देंगे और इसका बीपीएम जो है फिट कर देंगे, इसका बीपीएम 100 और 200 के बीच में फिट कर देंगे। और क्या करेंगे हम लोग, कट मारेंगे यहाँ से जो ओके हो क्या, इसको सेलेक्ट करके यहाँ तक कट मार देंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़ा है। और देखिए ये हो गया। यहाँ पे लेंगे एक रिवर्स, रिवर्स भी लगा दिया हम। अब लगाएंगे ये वाला ढोल की लूप्स। तो ये वाला ढोल की लूप्स लगा देंगे जहाँ तक वो मांगेगा वहाँ तक। तो ये हो गया ढोल की लूप्स, इसको भी फिट टेम्पो कर लेंगे, इसको 100 और 200 के बीच में फिट करेंगे। और इसका बीपीएम देखिए फ्रेंड्स, 130 पे ही बीपीएम इसका है। महादेव के दीवाने इसी सॉन्ग का बीपीएम 130 पे है। तो चलिए यहाँ तक हमारा 5 नंबर तक है और 1 नंबर ब्रेक भी लगा देंगे। तो इसमें पैटर्न फोन में हम लगाएंगे एक चीज़, देखिए वो लगा देता हूँ इधर ही है। सो फ्रेंड्स, ये वाला लगाएंगे, इस वाले को साउंड थोड़ा इधर उधर मिनिमाइज, मतलब कि इसका कम बेस करके देख लेना है। और यहाँ से लास्ट में 3 स्टेप लगा देना है और एक यहाँ पे, सॉरी पैटर्न वन को सेलेक्ट करके एक यहाँ पे पैटर्न वन, 3 स्टेप में ये फील लग जाएगा। अब लेंगे हम लोग यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक। तो ब्रेक देख लेते हैं, मेरा इधर है ब्रेक, मैंने ऑलरेडी रखा है, वही लगा दूँगा। चलिए ये वाला ब्रेक लगा दूँगा। तो क्योंकि ऐसे मैं लगा रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैंने सॉन्ग को पहले सुना है। तो चलिए यहाँ पे फिर से प्ले करते हैं थोड़ा सा, कहीं कहीं पे सॉन्ग सुनाऊंगा नहीं तो मुझे कॉपीराइट क्लेम भी आ सकती है। चलिए प्ले करते हैं। तो चलिए कुछ इस टाइप का है। अब आगे क्या है, पैटर्न है, आगे हम पैटर्न बना देंगे। और यहाँ पे 3 स्टेप में पैटर्न है, देख सकते हैं यहाँ पे 3 स्टेप में पैटर्न है, सॉरी पैटर्न बोल रहा हूँ, 3 स्टेप में किक है। अगर आप 3 स्टेप में किक नहीं डालना चाहते हैं तो 4 स्टेप में भी किक डाल सकते हैं, और 4 स्टेप में नहीं तो 3 स्टेप में। तो दोनों का मैं मिक्सिंग बनाकर दिखाऊंगा, इसका पैटर्न बनाकर दिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ पे किक देख लेता हूँ, ये रहा मेरा किक, किक को डाल लेता हूँ 3 स्टेप में। पहले 3 स्टेप का बनाकर दिखा देता हूँ आपको, फिर 4 स्टेप का बनाकर दिखाऊंगा। ये हो गया 2 स्टेप, ये 3 और ये 4, ये हो गया हमारा पैटर्न कुछ इस टाइप का। अब देखेंगे यहाँ पे लगाएंगे एक हार्ट हिट्स, हार्ट हिट्स को भी लगा देंगे, सॉरी ये नहीं हार्ट हिट्स है, ये वाला है हार्ट हिट्स। ये हो गया हमारा 4 स्टेप में हार्ट हिट्स। तो प्ले करते हैं। ऐसे भी ठीक है बट मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे डालेंगे एक और किक और इन सबको डिलीट करेंगे। अब हम मिक्स करेंगे इलेक्ट्रो स्टाइल में। तो पहले इसको कट मार लेते हैं, वो तो हो गया 3 स्टेप वाला, 3 स्टेप किक लगाकर अब डालेंगे 4 स्टेप, ये 4 स्टेप हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रो डालेंगे और जो जो भी डालना है वो डालेंगे। तो चलिए यहाँ पे तो ये हो गया, पहले इसमें एक रिवर्स डालना मैं भूल चुका हूँ, तो ये रिवर्स डाल दिया। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिए। अब पैटर्न 2 सेलेक्ट कर लेंगे। पैटर्न 2 में जाने के बाद आप चाहें तो यहाँ से हार्मलेस ले सकते हैं, इधर से ऐड पे जाकर, इधर मेरा हार्मलेस है, हार्मलेस चाहे तो हार्मलेस, हार्मोन चाहे तो हार्मोन, इसमें जो चाहे वो ले सकते हैं, या फिर GSM चाहे तो GSM भी ले सकते हैं। तो चलिए हम हार्मलेस का यूज करते हैं क्योंकि सॉन्ग में ज़्यादातर हार्मलेस का यूज करने से हमारा जो अच्छे तरीके से
बीट जो है वो मैच हो जाता है और उसमें साउंड क्वालिटी जो है अच्छे तरीके से आने लगता है। चलिए इसमें प्ले भगा भगा कर देख लेंगे कौन सा हमें अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स वीडियो पूरा देखिएगा, इसमें हार्मलेस का यूज किया हूँ, अच्छे से समझ में आएगा हार्मलेस कैसा होता है। सो फ्रेंड्स मैं ढूंढ लेता हूँ उसका नाम बता दूंगा, आप वो डायरेक्टली सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं ढूंढ कर दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए इसमें H2FG लगाया हूँ, दिखा देता हूँ किस टाइप का है। कुछ इस टाइप का है H2FG, ऐसा नाम है इसका। चलिए हार्मलेस में से सेलेक्ट कर लीजिएगा, इसमें कुछ सेटिंग का छेड़छाड़ नहीं करना है। चलिए यहाँ पे ये यह हो गया, अब क्या करेंगे, गो टू पियानो रोल। अब पियानो रोल में जाने के बाद इसको क्या करेंगे, पूरा को सेलेक्ट कर लेंगे। पूरा को सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका साइज को बढ़ा देंगे और नीचे खींच कर लाएंगे हम लोग इतने नंबर पे, 4 नंबर के एक दो नंबर ऊपर। अब चलिए इसको नीचे खींच लेंगे, कुछ इतना नीचे खींच लेंगे और इसको भी यहाँ पे, अब एक बीच में और लगा देंगे। अब सिर्फ पैटर्न सुनते हैं किस टाइप का पैटर्न है। चलिए इस टाइप का ये बना दिया हूँ, तो इसको क्या करें, कट कर लेंगे और 2 नंबर को सेलेक्ट करके यहाँ पे डाल देंगे। मिक्सिंग कुछ नया टाइप का है, इस टाइप का मिक्सिंग अभी कोई नहीं किया है। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो में यहाँ आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए प्ले करते हैं, आई होप कि अच्छा लगा होगा पैटर्न आपको। चलिए 2 स्टेप बढ़ा देता हूँ। चलिए यहाँ से लगता है यहाँ से पैटर्न चेंज हुआ है, तो वहाँ तक मैं फैला लेता हूँ अपना। और देखिए यहाँ पे एक ब्रेक लगेगा, ब्रेक को भी लगा लेता हूँ। देखिए यहाँ पे ब्रेक है। हेलो बाबू बोलो कहाँ तुम। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रेक है एक, तो ब्रेक भी डाल देंगे। ब्रेक के लिए देखिए कैसा मैंने सेलेक्ट करके रखा है, ये है मेरे पास। ऐसे तो ये इलेक्ट्रो में नहीं बनना चाहिए, बट मैं इलेक्ट्रो में इसको कन्वर्ट करके बना रहा हूँ, और जो आप समझ रहे हो वही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ने से एक और पैटर्न मैं बना देता हूँ 4 स्टेप में। फिर से ये 4 स्टेप में किक डाला और हार्ट हिट डाल देता हूँ 4 स्टेप में इसको भी, और पैटर्न 3 सेलेक्ट कर लेंगे। पैटर्न 3 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए एक ट्विंग पैक है इस टाइप का, आपके पास होगा तो होगा, अगर नहीं होगा तो आप बोलिए कमेंट में, मैं इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अब अपना पियानो रोल देख लेना है, एक यहाँ पे डालना है और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 स्टेप में डाल देना है। चलिए यहाँ पे कट कट नहीं करना है। अब फिर से गो टू पियानो रोल, पियानो रोल में जाने के बाद, सॉरी फ्रेंड्स भी पियानो रोल में जाएंगे और जाने के बाद यहाँ से पूरा को सेलेक्ट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको DJ राजकमल बस्ती स्टाइल में मिक्स करेंगे। अब वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छा यहाँ पे DJ राजकमल स्टाइल। चलिए ये हो गया इसके स्टाइल में, DJ राजकमल स्टाइल में। अभी डालेंगे पैटर्न 3 को उठाकर यहाँ पे। अभी यहाँ पे एक और चीज़ डालना है, बट वो भी डाल लेंगे। यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना होगा हुक को, हुक को सेलेक्ट करने के बाद डाल देना है एक यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नहीं डालना, यहाँ पे डालना है एक यहाँ पे, हो गया हमारा हुक, और एक लास्ट में। और हुक के साउंड को क्या कर देना है, कुछ इस टाइप से कर देना है, कम कुछ इतना कर देना है, ज़्यादा नहीं करना है। अब पूरा को सेलेक्ट करके एक स्टेप और बढ़ाना है, बट पहले कट मारना होगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा है, इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। अब पूरे को सेलेक्ट करके बढ़ाएंगे 2 स्टेप, अब प्ले करें।
तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। फिर नए वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।